और अब खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो के 8वें शहादत दिवस पर उन्हें याद किया गया एवं सर्वधर्म सभा का आयोजन भी हुआ। गणेश पूजा मैदान में स्वर्गीय सुनील महतो की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया एवं उनके चाहने वालों ने माल्यार्पण कर उन्हें जनता का सही प्रतिनिधि बताया। पूर्व सांसद एवं स्वर्गीय सुनील महतो की पत्नी सुमन महतो ने कहा कि 8 वर्ष हो जाने के बावजूद उन्हें अब तक न्याय का इंतजार है। इस मौके पर मोहन कर्मकार, राजू गिरी, दुलाल भुइया समेत अन्य झामुमो नेता शामिल थे। आज की ये घटना है और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अभी तक इसका कोई न्यायिक प्रक्रिया, हमको तो लगता है कि शायद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई ही नहीं है। 7 साल तक हम लोग इंतजार करते रहे, हमको न्याय अभी तक नहीं मिला और ना हम ये जान पाए। बस यही सुनते आ रहे हैं कि CBI में गई है। हमारे सांसद थे, बहुत ही मिलनसार थे और हम लोग को भी मौका मिला था। उस समय हम पूर्व मंत्री भी थे, हम मंत्री थे और हम लोग उस घड़ी को याद करते हैं तो पूरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। माननीय सांसद जी इस जमशेदपुर के इतने लोकप्रिय थे कि आज हम लोग उनका 8वां शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। और टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में अब खुलकर तीसरा मोर्चा भी सामने आ गया है जिसका नेतृत्व वरिष्ठ नेता भगवान सिंह कर रहे हैं। भगवान सिंह ने आखिरकार तीसरे मोर्चे का ऐलान करते हुए टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। भगवान सिंह ने रघुनाथ पांडे और PN सिंह के गुट से अलग होकर अलग मोर्चा तैयार किया और घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हम लोग घोषणा पत्र के लिए ताकि कर्मचारियों को यह मालूम हो कि जो लोग इस तरह से, दोनों जो पूर्व अध्यक्ष और जो अभी निर्वर्तमान अध्यक्ष हैं, इन लोगों के कार्यकलापों से कर्मचारी जो ये एक माने यूनियन के प्रति जो भय का वातावरण हो गया कर्मचारियों के बीच में, जो एक उसकी गरिमा जो यूनियन की थी उसको नेस्तनाबूद कर दिए हैं इस कुछ सालों में। तो हम लोगों ने तीसरे मोर्चा का गठन, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी जो संघर्ष करने वाले लोग थे वो फिर एक जगह इकट्ठे हो गए। देखा होगा कि PN सिंह के समय में, अगर आप लोगों को याद होगा, तो PN सिंह को बनाने में भी हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन वे भी खड़े नहीं उतरे और अपने स्वार्थ पर, यूनियन के गरिमा पर भी चोट पहुँचाए। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो माला पहनते रहे और जितनी गलतियाँ किए हैं उसको भी गिनाया जाए तो कम है, चाहे बोनस के मामले में हो, ग्रेड के मामले में हो या बारी मेंशन के मामले में हो, बारी मेंशन बिल्डिंग के बारे में। लेकिन इसके बावजूद हम लोग लेकर साथ चल रहे थे, लेकिन वो डिस्चार्ज डिसमिस का सिलसिला शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने दावा किया है कि पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल को देखते हुए उनके गुट को फायदा मिलेगा। रघुनाथ पांडे ने कहा कि यूनियन चुनाव में कुल 214 सीटों में से 175 सीटें उनके गुट के लोग जीतेंगे और विपक्ष का सफाया होगा। न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि PN सिंह के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं ये सभी जानते हैं। हम लोग बहुत बार से चाहते थे कंस्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्शन हो, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्शन आपस में तालमेल ही नहीं बैठता था। तो सबसे बड़ा काम किए क्या कि अपने डिसीजन लेने लगे, तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई कि भाई नहीं ठीक है, टाटा वर्कर्स यूनियन का कोई भी लोग कमेटी में नहीं रहेंगे, सरकार के 5 आदमी रहेंगे। ये बहुत अच्छा बात हुआ और जिसके चलते निर्णय होने लगा और उसके बाद आज कॉन्फ्रेंसी वाइज हो रहा है। और लोगों को सबसे बड़ा चीज की प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा हर जगह। तो एक जगह से ज्यादा आदमी जीत के चले आते थे और एक जगह जीतते ही नहीं थे, उनके तरफ कोई देखता नहीं था, इसलिए छोटा सेक्शन है। अब बड़ा सेक्शन से 5 आदमी जीत गया, छोटा सेक्शन से एक भी आदमी नहीं जीता। इस दिन जो DC महोदय ने क्या होता है वो उन्होंने दिखा दिया। DC और DDC को थैंक्स देंगे और SDO का सबको दम देंगे। पूरी टीम जिस तरह से तत्पर है, जिससे लगता है कि मैंने एक मक्खी भी नहीं घुसेगा, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। कितने सीटें आ जाएंगे बाबा आपको? 175 सीट हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से काम हो हुए। अब लोग क्या है ना, पहले तो आप झूठ बोल दिया कि पांडे जी 2 बच्चा के बाद इलाज बंद करा दिए, आज तक बंद हुआ? पांडे जी फर्लो बंद करा दिए, अभी बंद का ये लोग बात किया है।
और जिसमें नए लोग सुपरवाइजर जो बन रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल के बगल में अवस्थित 3 दुकानें बीती रात जलकर खाक हो गई। टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल कदमा के बगल में अवस्थित 2 टेंट हाउस और 1 सैलून में बीती रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन वायर जलकर दुकान में गिर जाने से उक्त हादसा हुआ। कौन नहीं करेगा? ठीक है बेटा, हम करना हाई टेंशन तार 11,000 शॉर्ट सर्किट से बांध गिरा, दुकान का ऊपर गिरा, दुकान का ऊपर गिरने से पूरा दुकान। स्थानीय गोपाल मैदान में स्वदेशी मेला की शुरुआत हुई जो 15 मार्च तक चलेगी। मेले में कुटीर उद्योगों को मंच प्रदान करने के लिए एवं बाजार के लिए इसका आयोजन होता है। मल्टीनेशनल कंपनियों के आ जाने से कुटीर उद्योग मृत प्राय होते जा रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच का ये प्रयास रहा है कि स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का लोग उपयोग करें। स्वदेशी वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन होता आया है। जागरण मंच के द्वारा 8 से 15 मार्च तक ये स्वदेशी मेला गोपाल मैदान में लगने जा रहा है। इस मेले में देश के अनेक राज्यों से कुटीर उद्योग के जो उत्पादक हैं वो अपने सामान को लेकर के इस मेला में इस मेले में प्रत्येक दिन संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम है और दिन में देश की ज्वलंत समस्याओं के ऊपर में विचार गोष्ठी का आयोजन और बच्चों के लिए प्रतियोगिता। 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र लेकर आज की तारीख में भी शिक्षक अपनी प्रतिनियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और डीईओ कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। 26 जनवरी को विभिन्न जिलों के लगभग 500 आवेदकों को प्राइमरी शिक्षक हेतु बहाली हुई और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए, मगर अभी तक उन्हें कहीं भी प्रतिनियुक्ति नहीं किया गया है और अव्यवस्था का ये आलम है कि विभिन्न जिलों से रोज उन्हें डीईओ कार्यालय आकर हस्ताक्षर करना पड़ रहा है। महीना लगेगा वेतन होने में, नए नए नियुक्ति हुए हम लोगों का, हम लोगों को सोमवार को बुलाया है। क्या कीजिएगा, 26 जनवरी से बहाली हुआ, अभी तक आप लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ, क्या कीजिएगा? इसमें सबसे ज्यादा हम लोग समस्या किसी में हुआ, जो बोलता है कि आप लोग पोस्टिंग हुआ तब हम लोग को CNA लागू हुआ। अभी जो अगर हम लोग अपने संग बीमार पड़ रहे हैं या परिवार में कोई सदस्य मर रहा है फिर भी साइन मानने के लिए चले आना है, बस हम लोग जानवर इंसान की तरह है, जब पोस्टिंग हुआ तब हम लोग इंसान बने, उस समय CNA लागू हुआ, अभी कुछ नहीं है। मिलने वाला है, अगर हम लोगों को सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के नियरेस्ट मिल जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्या कि हम लोग वहीं पर रहेंगे और अगर दूर रहेगा तो दूर कष्ट होगा। धतकड़ी हरिजन बस्ती में अवैध रूप से नकली शराब, जुआ, मटका आदि के विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा SSP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। धतकड़ी हरिजन बस्ती में अवैध रूप से शराब का कारोबार एवं जुआ आदि के विरोध में सुरेश मुखी के नेतृत्व में बस्ती वासियों ने SSP को ज्ञापन सौंप कर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आज हम लोग सीनियर SSP साहब से बड़ी उम्मीद लेकर मिलने आए हैं। 28/2/2015 को बिष्टुपुर थाना प्रभारी से मिले थे, थाना प्रभारी आश्वासन दिए थे कि कार्रवाई होगी, धतकड़ी हरिजन बस्ती में छापामारी होगी, किस चीज़ के लिए? शराब, अवैध शराब के खिलाफ पर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई